जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ADPCS का जो नेक्स्ट क्विज है डेट इज़ फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 12 मैथ्स स्टोरेज सिस्टम्स। क्विज आपका जो होगा, एक टॉपिक तो हमने डिस्क स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ये आपको याद होगा। इसको मैं अभी रिवाइज नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्विज। क्विज में जो टॉपिक इंक्लूडेड है That is disk scheduling. Here disk mean hard disk. एक बात ध्यान में रखिएगा कि hard disk पे different cylinders होते हैं, तो उन cylinders से hard disk का जो read write head है वो data को read भी करता है और write भी करता है। तो यहाँ problem ये होगा कि आपको कुछ cylinders mean locations दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इसके लिए एक given scheduling algorithm को follow करते हुए टोटल जो डिस्क हेड मूवमेंट्स हैं उनको कंप्यूट करें। मैं प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं जिन्हें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं आपके डिस्क की शेड्यूलिंग के लिए। शेड्यूलिंग का मतलब राइटिंग, रीडिंग के लिए कि किस सीक्वेंस में किस तरह से रीड करना है। फर्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है डेट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। दिस क्वेश्चन विल बी गिवन, ये क्यू गिवन होगा, जैसे ये गिवन है आपको 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। इसका मतलब समझें पहले, मीन के आप के रीड राइट हेड ने, हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड ने इन लोकेशन से रीड करना है। पहले उसने 90 लोकेशन नंबर 98 से रीड करना है, देन 183 से रीड करना है, देन 37 से एंड अप टू सो ऑन। और हेड स्टार्ट भी आपको गिवन होगा, लेट से हेड स्टार्ट जो है वो 53 पे है। अच्छा, अब आपने करना क्या होगा पेपर में या क्विज में, आपके पास टोटल रेंज भी आपको बता दी जाएगी कि 0 से 199 तक टोटल लोकेशंस हैं, सपोज डैट। तो आपने एक लाइन, एक ग्राफ ड्रा करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। लोअर एज पे आपने 0 मार्क कर देना है और हायर एज जो आपका हायर बाउंड्री है उस पर 199, ये गिवन होगा आपको कि 0 से 199 तक आपके पास टोटल सिलेंडर्स हैं, लोकेशंस हैं। मैं आसानी के लिए इनको लोकेशंस कह रहा हूँ। तो उसके दरमियान में आपने लोअर और हायर बाउंड्री के दरमियान अब आपने अपनी मार्क्स लगाने हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, अंदाजन गैप देके। और वो मार्क्स आपके किन सिलेंडर्स के लगेंगे जो आपको इस क्यू में गिवन है, 14, 37, थोड़ा अंदाजे से थोड़ा सा आप गैप ज़्यादा दे लें। फिर 37 के बाद लेट से 53 करंट हेड स्टार्ट है आपका, 65, 67, ठीक है जी, 98, 122, इन सिलेंडर्स को जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है उसको आपने न्यूमेरिकली जो आपका ऑर्डर बनता है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आपने अरेंज कर लेना है। ओके जी, ये तमाम सिलेंडर्स जिनकी रिक्वेस्ट आई है उनको हमने इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, आपने हेड स्टार्ट आपका 53 पे बताया हुआ है, तो 53 के नीचे आपने डॉट लगा देना है, ये डॉट लग गया। नाउ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम क्या कहते हैं कि जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से आपने जिस सिलेंडर से रीड करने की रिक्वेस्ट पहले आई हुई है वहाँ पे चले जाना है, यानी जिस सीक्वेंस में इन लोकेशन से रीड की रिक्वेस्ट आई है उसी सीक्वेंस में रीड करते जाएं। सबसे पहले 98, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, सबसे पहले 98 लोकेशन नंबर 98 से रीड होगा, तो आपने सीधा 53 से जंप करना है 98 लोकेशन पे, डॉट मार्क कर देने, मीन कि यहाँ से 98 से रीड हो गया। अब 98 के बाद क्यू में देखें कौन आ रहा है, 183 लोकेशन आ रही है, तो 98 से सीधे आप 183 पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आप डॉट लगाएंगे, मीन यहाँ से 98 के बाद लोकेशन नंबर 183 से रीड होगा। फिर 37 आ रहा है क्यू में, 183 से बैक जाएंगे, लोकेशन नंबर 37 पे डॉट लगाएंगे, यहाँ से रीड होगा, देन 122, यानी इस सीक्वेंस को एज इट इज़ फॉलो करते जाने आप, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एज इट इज़ रीड करना है जिस सीक्वेंस में रिक्वेस्ट आ रही है। तो अगेन 37 से 122, ये 122 पे आ जाने ग्राफ पे डॉट लगा देने, देन 14 से क्यू में देखें 124 और 124 से फिर 65 फिर 67, तो ये बचे आपके पास
दिस क्यू विल बी गिवन एंड दिस हेड स्टार्ट विल बी गिवन इन पेपर और इन क्विज। तो इस क्यू का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास रिक्वेस्ट पड़ी हैं जिस जिस ऑर्डर में आपके रीड राइट हेड ने आपके हार्ड डिस्क से रीड करना है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सेज डैट कि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है उसी ऑर्डर में उसको आप रीड करें। दिस इज फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, नाउ सेकेंड डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम, इसका क्लेम ये है कि आप हेड स्टार्ट, प्रॉब्लम वही है, क्यू गिवन है, हेड स्टार्ट गिवन है 53। अच्छा, प्रीवियस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने क्या किया था, हमने क्यू को फॉलो किया था कि जी हमने 98 से रीड करना है ना, तो हम 53 से डायरेक्ट 98 पे गए थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। इसका ये क्लेम है कि यार आप जहाँ पे खड़े हैं ना, लेट से लोकेशन नंबर 53 पे खड़े हैं, अब आप यहाँ से पहले उस लोकेशन से रीड कर लें जिसका सीक टाइम शॉर्टेस्ट है। सीक टाइम मीन सर्च करने का टाइम, एक्सेस का टाइम। देखें, एक बात ध्यान में रखें कि क्यू में जितनी भी रिक्वेस्ट है हमारे पास, इन तमाम लोकेशन से रीड करना है, रीड सबसे करना है, सीक्वेंस डजंट मैटर, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर वो सीक्वेंस में चलेगा। ये कहता है कि आप जहाँ पे खड़े हैं ना, आपके नियर लोकेशन है, करंट हेड स्टार्ट यहाँ पे है, इसके नियर लोकेशन नंबर 65 बनती है भाई, तो 65 से भी तो रीड करना है ना, बेशक वो बाद में आ रही है, तो आप पहले इस लोकेशन से रीड करें, यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जो करीब है वहाँ से रीड करें। अब करंट हेड पोजिशन 65 पे है, अब इसके अकॉर्डिंगली फैसला होगा, डिसीजन होगा। अब इसके करीब 67 है, वहाँ से रीड कर लिया, और 67 डेफिनेटली रिक्वेस्ट में है। 67 से अब आप 98 पे भी जा सकते हैं और बैक 37 पे भी आ सकते हैं। तो देखें ग्राफ में वो 37 पे आया है, क्योंकि 67 से 37 तक का डिस्टेंस कम है और 98 तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। माइनस करके आप देख सकते हैं, 98 को 67 से माइनस कर लें और फिर 67 को 37 से माइनस करें, तो पता चल जाएगा आपको। बहरहाल 67 के बाद वो 37 पे आया, यहाँ से रीड किया, देन फिर उसके बाद वो 14 पे चला गया, यहाँ से रीड किया, नियरेस्ट लोकेशन से रीड कर रहा है 14 से। फिर वो अब 14 से नियरेस्ट आपकी बनती है 98, देन 98 से 122, देन 124, और उसके बाद लास्ट में 183। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, करंट हेड पोजीशन से जो करीब लोकेशन आपके पास है वहाँ से आप रीड करेंगे। तो ये बेसिकली ये क्यू और हेड स्टार्ट आपको गिवन होगा, दीज टू थिंग्स विल बी गिवन। एल्गोरिथम आपको बता दिया जाएगा कि फलां एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आप ग्राफ ड्रा करें। तो ये ग्राफ आपसे रिक्वायर्ड होगा, ये वाला ग्राफ, जो नीचे वाला ग्राफ है, ये आपको यहाँ पे ड्रा करना होगा। टोटल ट्रैक्स मूव्ड भी निकालने होंगे। वो कैसे निकलेंगे, 53 से आप 65 पे आए हैं, तो आप देख लें कितने ट्रैक्स मूव किया आपने, 65 को 53 से माइनस कर लें। जैसे 65 से 67 पे आप आए हैं, तो हियर ट्रैक मूवमेंट्स कितनी है, टू ट्रैक्स की मूवमेंट है, 67 माइनस 65, टू ट्रैक्स। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने ट्रैक्स मूव हुए, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने ट्रैक्स मूव हुए, यहाँ से यहाँ तक कितने ट्रैक्स मूव हुए, इन तमाम ट्रैक मूवमेंट्स को आपने काउंट करना है रफ में, और वो आपका आंसर यहाँ पे आपने नीचे मेंशन कर दिया। तो एक हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। नेक्स्ट इज स्कैन। स्कैन एल्गोरिथम जो है ना, ये आपका एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहलाता है, एलिवेटर की तरह काम करेगा। जैसे आपके पास एलिवेटर मशीन होती है ना, लोअर आपका जो जो है आपका अपार्टमेंट, वहाँ से जब टॉप वाले अपार्टमेंट की तरफ जाती है, तो नीचे से ऊपर तक कंप्लीट मूव करती है, जहाँ जहाँ जिसने उतरना होता है उसको ड्रॉप करती जाती है और टॉप पे जाके फिर वापस आती है। तो स्कैन एल्गोरिथम क्या करेगा, अगेन वही क्यू गिवन होगा, हेड स्टार्ट गिवन होगा, करंट हेड स्टार्ट से आपने स्कैन में आपने क्या करना है, लेफ्ट, दिस इज योर राइट बाउंड्री, दिस इज योर लेफ्ट बाउंड्री, लेफ्ट की तरफ स्कैनिंग करनी है, लेफ्ट की तरफ चलते जाएं और रास्ते में जो जो रिक्वेस्ट आती जाती है उसको आप मार्क करते जाएं। 37 की रिक्वेस्ट है मार्क, 14 की रिक्वेस्ट मार्क, जीरो पे आप टच करेंगे और लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाने के बाद फिर आप एक्सट्रीम राइट पे आएंगे, स्कैनिंग हो रही है। करंट हेड स्टार्ट से एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएंगे,
रास्ते में जितनी भी रिक्वेस्ट आती जाएंगी उनको हम सर्व करते जाएंगे। फिर एक्सट्रीम लेफ्ट से आप एक्सट्रीम राइट की तरफ मूव करेंगे, कंप्लीट स्कैन करेंगे, आपका हार्ड डिस्क का जो हेड है वो स्कैन करेगा बेसिकली, और स्कैनिंग के दौरान जो जो रिक्वेस्ट आपको मिलती जाएगी जहाँ जहाँ से रीड करना होगा वहाँ वहाँ से रीड करता जाएगा, 65, 67, रास्ते में जो भी लोकेशन आएगी 98, 122, 124, 183, दिस इज़ योर स्कैन एल्गोरिथम, वेरी सिंपल। टोटल ट्रैक्स मूवमेंट्स इसमें भी आपने कंप्यूट करनी है। नेक्स्ट, स्कैन के बाद आपके पास आ जाता है सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन। सर्कुलर स्कैन में और स्कैन में फ़र्क है, देखिएगा ज़रा। स्कैन में हमने करंट हेड स्टार्ट से पहले एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ स्कैनिंग करनी है, फिर एक्सट्रीम राइट की तरफ, बस वन स्कैन कंप्लीट होगा। सर्कुलर स्कैन में हमारे पास सर्कल बनेगा, यानी करंट हेड स्टार्ट से हम पहले लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम स्कैनिंग करते हुए राइट की तरफ आएंगे, रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट आती जाएगी उसको मार्क करते जाएंगे। डॉट का मतलब है कि यहाँ से रीड हो रहा है। करंट हेड स्टार्ट से राइट की तरफ, राइट को टच करने के बाद फिर लेफ्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक बात सुनिएगा, सर्कुलर स्कैन में लेफ्ट राइट की तरफ आएंगे, राइट से जब लेफ्ट पे जाएंगे ना, तो लेफ्ट पे जाते हुए कोई भी सर्विस, कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करनी, ठीक है, किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करना। देखिए ना, वापस जाते हुए, आप वापस ही जाते हुए 37 रास्ते में आया है, बट यहाँ से रीड नहीं करना। दिस इज द वर्किंग ऑफ सी स्कैन। वापसी पे एज इट इज आप मूव करेंगे विदाउट एनी रीडिंग, देन फिर राइट से दोबारा लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो लेफ्ट की तरफ आते हुए दोबारा फिर आप रीडिंग करेंगे 14 से 37 से। दोबारा देख लें, करंट हेड स्टार्ट से लेफ्ट की तरफ जाना है अपने, सॉरी राइट की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाते हुए राइट स्कैन के दौरान रीडिंग होगी, देन फिर आपके पास लेफ्ट पे जाएगा फौरी तौर पे, लेफ्ट स्कैनिंग के दौरान वो स्कैन नहीं करेगा, यू कैन सी डैट, लेफ्ट मूव करेगा सीधा लेफ्ट एज पे, वहाँ से फिर राइट की तरफ जाएगा और राइट की तरफ आपके पास जाते हुए वो मूव करते हुए रीडिंग करेगा। तो दिस इज योर सर्कुलर स्कैन। तो इन फोर एल्गोरिथम्स में से फर्स्ट कम फर्स्ट सर, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन और सर्कुलर स्कैन, इनमें से कोई एक आपको दे दिया जाएगा। क्यू गिवन होगा, हेड स्टार्ट गिवन होगा, एंड यू हैव टू ड्रा दिस ग्राफ, एंड आल्सो यू हैव टू कंप्यूट द टोटल ट्रैक्स मूव्ड। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। थैंक यू।